पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहरी तमाम दोस्तों को वाईजी का सलाम। दोस्तों आज हम तो खड़े हुए हैं नागन चोरंगी के ब्रिज के ऊपर खड़े हुए, और कराची में आज ठीक ठाक बारिश हुई है, तूफानी बारिश हुई है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कितना पानी सड़कों पे जमा हुआ हुआ है, और बारिश के पानी की वजह से लोग कितने परेशान हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वक्त जो है हम नागन के ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, और ये जो मनाजर आपको नज़र आ रहे हैं, ये मनाजर जो है नागन के ब्रिज से, ये जो आपको सामने के नज़र आ रहे हैं, ताजमान है। ताजमान से जो फकी हसन और आपका हैदरी की तरफ रूट जा रहा है, ये उस तरफ के मनाजर हैं। और ये देखें यहाँ ठीक ठाक पानी जमा हुआ है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे इस वक्त जो है हम नागन चोरंगी पर खड़े हुए हैं। ये रिक्शा किस तरीके से आ रहा है, ये देखें ट्रक देखें किस तरीके से आ रहे हैं। ये जो एरिया है नागन से जो है, ये यूपी की तरफ का एरिया है, जो नागन से यूपी की तरफ जा रहा है, पावर हाउस चोरंगी की तरफ जा रहा है। यहाँ पानी खाली हो चुका है, यहाँ से पानी निकल चुका है। ये जो ब्रिज है ऊपर, जो ये गाड़ियाँ आ रही हैं, सामने ब्रिज भी जैम हुआ हुआ है ऊपर, काफ़ी जो जैम हुआ हुआ है ब्रिज, ये सोराब रोड की तरफ से आ रहा है और यूपी की तरफ उतरेगा ये। हाँ भाई, पानी में कुछ कमी आई पहले से? पानी में पहले से बहुत कमी है, पहले बहुत पानी था, अभी बहुत कम हुआ है। कम हो गया है, तो हमें क्या ऐसे ही पानी जमा होता है। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? सोराब बोर्ड से साइकिल पर आ रहे हैं माशाल्लाह आप हैं। ये देखें भाई जो है सोराब बोर्ड से साइकिल पर आ रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। नाले का पानी है, नाले का पानी है, बारिश का पानी नहीं है? बारिश का भी है, नाले का भी। वो ग्रेन ड्राफ्ट तो कर रही है नाला। अच्छा, सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल चाल है बाबा? ठीक ठाक है। अब मैंने 200 इंटरव्यू दिए बचपन से लेके जवानी तक, आप समझे। पाकिस्तान बना में 11 साल का आया। अच्छा, इन आँखों से अयूब खान को देखा। अच्छा, लियाकत अली खान को देखा, मोहम्मद अली बोबरे को देखा। अच्छा, बंगाली सौरवर्दी को देखा। अच्छा, सिकंदर मिर्ज़ा को देखा। अच्छा, फिर सिकंदर मिर्ज़ा से अयूब खान ने हुकूमत ली। अच्छा, मार्शल ला लगी 64 के अंदर, मैंने मैट्रिक किया। अच्छा, आप समझे। अयूब खान के बाद हमारे बिरादर आए जो था, फिर हमारे मुल्क का जो शराजा बिखरा वो आज तक बिखरता चला है। अच्छा, समझ गए। और वो देख रहे हैं ये हमारी जमहूरियत का हाल है। अब एक साहब ने कहा, कहने लगे ये इमरान खान का यह हाल है। मैंने कहा इमरान खान कल जो है ना विकेट और वो लेके आएगा बल्ला। क्यों? मैंने कहा वो मिनिस्टरों की गांड पे बल्ले लगाएगा। 20 साल हुकूमत जो है यहाँ पीपल्स पार्टी कर गई है, 15 साल जो है नवाज शरीफ कर गया, क्या बनाया उन्होंने? सही, ये चीज़ें भाई इस मुल्क के अंदर तो यही है। जब से ये बनाए कोई भी आया बगैर करप्शन के कोई नहीं है। मैं MB हाई स्कूल अक्खर का मैट्रिक किया हुआ। अच्छा, वो अल्लाह का शुक्र है 82 साल की उम्र है, आज भी मैं अपनी रोजी कमा के खाता हूँ। माशाल्लाह, बड़ी बात है बाबा। मेरा एक ही नारा है, समझे ना, जाग रही है आर्मी, सो रहा है आवाम। बस ये 64 के अंदर 65 में हमने नारा लगाया था, 65 की जंग में। अच्छा, 65 की जंग भी देखी हुई है। ज़रा जंग के मामला तो बताएं, क्या हालात होते हैं जब जंग होती है? तो देखिए, दूसरी जंगें तो आम हुई, लेकिन 65 की जंग जो थी वो हम एक थे। हम में ना कोई सिंधी था, ना महाजर था, ना पंजाबी था, ना पठान था, वन यूनिट था, हम सब पाकिस्तानी थे। सही, हमने अपना शराजा जो है जमा किया और हमने सबको बिखेर के छोड़ दिया, और आज हम बटे हुए हैं। सही, जब तक हम एक नहीं होंगे लियाकत अली खान की मूर्ति की तरह कुछ नहीं करते। तो नौजवान नसल को कोई पैगाम देना चाहेंगे?
नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे नौजवान जो हैं इस मुल्क के मेहमान हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाएं और ऐसे बढ़ाएं कि अपने अंदर वो जज्बा लेके चलें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सही बात। बताइए कि पहले के लोगों में और अभी के लोगों में क्या फ़र्क है? पहले के जो लोग थे उनमें अखलाक प्यार मोहब्बत था, आज के लोगों में नफ्सा नफ्सी है। क्या वजह है, क्यों है नफ्सा नफ्सी? हमने इंसान को गिराया, पैसे को बढ़ाया। जब हमने पैसे की कदर की तो इंसान घट गया। इंसान घट गया तो आज ना बाप बेटे का रहा, ना बेटा बाप का रहा। सब खानदान रिश्तेदार इधर उधर जिसको देखो सब में बुराई बुराई है। मैं चार बेटों का बाप हूँ। सही। लेकिन देखिए मैं अपना कहीं भी काम करता हूँ, माशाल्लाह। तो इंसान को चाहिए कि पैदाइश से लेकर कब्र तक अपनी हिम्मत ना हारे। सही। और मेरे नौजवान बच्चे जो हैं वो इस मुल्क के मेहमान हैं, इस मुल्क को उन्होंने भी तामीर करना है, सिर्फ सरबरा तामीर नहीं करता। सही बात। अब ये हम लोग जो है ब्रिज से उतर रहे हैं, नीचे के मामला दिखा दें आपको। अब भाई क्या पानी कुछ कम हुआ पहले से या कुछ भी कम नहीं हुआ पहले से? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है पहले से कम हो गया। वही तो यार, पहले से पानी कम हुआ नहीं हुआ? हाँ पहले से कम हो गया भाई। कम हो गया है क्या? पहले बहुत ज़्यादा पानी जमा था? बहुत ज़्यादा पानी था, ये भर के आ रहा था, इसको चढ़ा हुआ था पानी। अच्छा, गाड़ियाँ भी खराब हो रहा है? गाड़ियाँ बहुत खराब हुई। तो ये कहाँ का पानी है, कैसे आया? ये आगे से आ रहा है, नाले भरे हैं, नाले भर गए बारिश। अच्छा, वहाँ से पानी आ रहा है? आ रहा है, नाला भर गया, नाला भर गया, पावर हाउस से पानी आ रहा है। पर अभी पावर हाउस तो बिल्कुल साफ है, अभी हम वहाँ से आ रहे हैं। कम हो गया ना, पहले तो घुटने तक था ये पानी। अच्छा, और इधर जो शादमान की तरफ जो पानी वो यहीं से गया? ये ढलान है ना, ढलान यहीं से जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो है हम आगे जा रहे हैं, जो आगे के मनाजिर दिखाएंगे। अब भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया या प्लग में? पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल ख़त्म हो गया? अच्छा अच्छा, मैंने कहा पानी की वजह तो नहीं हुआ। क्या हुआ भैया आपकी बाइक में, क्या हो गया? बंद हो गई बाइक, क्या होगा? नहीं ये कुछ फंसा हुआ भी है ना इसमें? कैसे बंद हुई है? पानी में से आएंगे देखते तो बंद ही होगी। नहीं वो अभी एक बाबा का जो है उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, वो भी पानी में जा रहे हैं। आप लेडीज के साथ हैं? ये देखें सामने जो है रास्ता ख़राब हुआ हुआ है, कैसे बंद हो गया? ये पानी में भरा हुआ है। ओए ओए, और पैसेंजर भी बैठे हुए हैं? हाँ। तो कोई पानी चला गया अंदर सिलेंडर में? हाँ पानी अंदर सिलेंडर में चले गया, पानी इतना भरा हुआ समझो गाड़ी हमारी स्थिति। ओहो, और जाना कहाँ है आपने? ये तो आगे जाना हमारा। अच्छा अच्छा, तो आगे पानी ज़्यादा है क्या यार? नहीं आप आगे जाके मूवी बनाओगे तो पता चल जाएगा। अच्छा मेरे भाई, क्या हुआ कैसे पानी वानी चला गया? कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो साइड एरिया से आ रहे हैं। तो आगे ही पानी मिला था? अच्छा, लोग किस तरीके से फौज भरी हुई आ रही है। जबरदस्त जबरदस्त भाई, जा रहे हो भाई आगे चलते, आगे ज्यादा पानी है। पानी है भाई पूरा पूरा, इतना इतना दूर है। हम पैदल ही जा रहे हैं, देखो अल्लाह मालिक जा सकते हैं वैसे। चलो देखते हैं। यार अच्छा, रोडों पे तो भरा हुआ, टंकी पे भरा हुआ नहीं भरा हुआ? आगे क्या पोजीशन है? आगे पूरी पूरी बाइक डूब रही है, इतना पानी है आगे। अच्छा, पूरे बाइक से नहीं देखा, पूरे कपड़े वपड़े बाइक बाहर निकाला, इतना पानी है। बड़ी गाड़ी आ रही है और पानी तेजी से आ रहा था। चलो आगे देखते हैं, बहुत पानी है। आप आगे जाओ, आपको देखें पीछे से वहाँ ब्रिज से काफ़ी आगे आ गए, और आगे क्रेन काम भी कर रही है, आगे जा रहे हैं मनी का। ओहो जवाज है भाई, ये इन लोगों की बाइक ख़राब हो गई है, पानी वानी चला गया है। आगे बहुत पानी है इसका मतलब? बहुत पानी आगे, बहुत पानी। अच्छा, शादमान से पानी भरा हुआ है, यहाँ से पानी पूरा कपड़े
कपड़ों से आप अंदाजा लगा लें इतना पानी है। ये देखें भाई के भी। और सखी हसन की क्या पोजिशन है? सखी हसन पे इतना नहीं है जितना सफाई कर रही है, आपको नजर आ रही होगी। और ये पानी की पोजिशन देख रहे हैं, तो पानी कहाँ तक आ देखें पानी ऐसे आ रहा है, तो मैं सीवी पर बैठा हूँ गाड़ियों के ब्रेक में। ये गाड़ी पे लिखा हुआ है जहमत के लिए माजरा तरक्याती काम जो है जारी है बल्दिया बस्ती कराची। ये बंद होने वाली है नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी समय इसमें एक भाई और हौसला हिम्मत करके आ रहे हैं। बंद हो गई, यहाँ ज़्यादा पानी है या आगे ज़्यादा पानी है? आगे ज़्यादा है, बराबर ही आगे ज़्यादा है। ओह यार बड़ी परेशानी हो गई है, तो पैदल ले जाओ भाई, थोड़ा आगे आगे ना पानी कम है। देखें फ्रेंड बसें किस तरीके से आ रही हैं, और अभी पानी जो है फुटपाथ पर आएगा बसों के प्रेशर से। साइड पर हो जाओ भाई, अभी पानी इधर आएगा, ये बसों का जो प्रेशर है ना, ये देखें ये पानी कैसा फुटपाथ के ऊपर आ गया, ये अभी मजीद हो रहा है। ये जो रोड है शादमान टाउन वाला रोड है जो आ रहा है सखी हसन से नागन की तरफ, क्या पोजीशन है पानी की? अच्छा नालों में से कचरा किस तरह से जो पानी से बाहर आ रहा है थर्माकोल वगैरह के, नाले खुद लबालब हो गए, नालों की सफाई हो जाए तो ये मामला आसान है। थोड़ा सा और फासला था यार गाड़ी, आपकी हिम्मत हार गई। मैं तो हिम्मत ही हार रहा हूँ। हाँ अच्छा पानी क्या है पोजीशन है? बहुत बुरा है, यहीं पर ज़्यादा बुरा है, पीछे मेरा रिश्ता नहीं है। सखी हसन वगैरह पे पानी का तो वैसे हमेशा से बुरा हाल रहा है, बट ये चौरंगी कुछ है ज़्यादा नीचे इसलिए पानी बहुत ज़्यादा है इस तरह। अच्छा अच्छा अच्छा, पर आगे नागन पे साफ मिलेगा आपको? नागन तो यही है। नहीं आगे ये तो शादमान वाले हिस्से में पड़ेगा, पावर हाउस की तरफ। नहीं वो क्लियर है, अभी आगे मैं वहीं से आ रहा हूँ तो वहाँ सही है। शुक्रिया सर। भाई इधर से कहाँ जा रहे हो? उधर से जाओ, यहाँ पानी बहुत है। चलो देख लो, कोच आ रही है, जल्दी निकलो पानी ठीक ठाक आएगा इसके प्रेशर से। मेरे पैरों तक ही देख रहे हैं, जैसे कि मैं टीवी पर खड़ा हुआ हूँ तो देखें मेरे पैर भी ठीक है। और ये गधा गाड़ी बेचारा गधा भी परेशान हो गया है, कैसे इंसानों में फंस गया हूँ मैं। तुम्हारा गाड़ी तो नहीं फंसा रहा? ये वो गाड़ी वाहिद गाड़ी है जो नहीं फंस रही है और ना ही बंद हो रही है। अभी इस गाड़ी पे भी असर पड़ेगा, झटका पड़ेगा। ये समझदार ड्राइवर है जिन्होंने गाड़ी की स्पीड स्लो कर ली है, क्योंकि पानी जो है देख रहे होंगे आप इसके प्रेशर से लग आ रहा है। ये एक और बड़ी बस है, ये देखिए। ओह बाइक वाले को तो फिर भूल गया, गिर गया।
गाड़ी इधर फुटपाथ पे चढ़ा लो भाई आप। आ जाओ आराम से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त अपने होस्ट भाई जी को इजाजत दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।